नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी के समीप स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा अटसार में संत बाबा सुखदेव सिंह की याद में समस्त क्षेत्रवासियों ने हर वर्ष की भांति बाबा जी की सालाना बरसी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। वहीं पिछले एक माह से लगातार अखंड पाठ चलाए गए। इस प्रोग्राम में सेवादारों ने बड़े ही उत्साह के साथ मिलजुल कर सेवा में हिस्सा लिया। प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने बाबा जी के जीवन शैली के बारे में बताया एवं इस प्रोग्राम में बूढ़े बच्चे एवं जवानों एवं महिलाओं ने शिरकत की। अतः गुरुद्वारे में लंगर, फल एवं चाय की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर समस्त गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के एवं मुख्य सेवादार सरदार सरवन सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अटसारपुर में स्थित हूँ। यहाँ पर सिंह साहब गुरुद्वारा है, यहाँ पर पर्व का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पर्व के बारे में बताएंगे कि ये कितने सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है, कितने लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए, यहाँ पर जो प्रोग्राम है लगभग एक महीने से लगातार चल रहा है जी, तो काफ़ी दूर दूर की संगत यहाँ पे आती है। और ये आज जो आप संगत यहाँ देख रहे हैं जी, तो ये लास्ट दिन है आज। अच्छा। मतलब आज जो एक महीने तकरीबन हो चुका है, तो आज समाप्ति है अखंड पाठ की। और संत बाबा सुखदेव सिंह जी जो हैं उनकी याद में लगभग महीने भर से ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था अटसार में। अच्छा। तो संगत बहुत आती है, बहुत तन मन धन से लोग सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जी जी कि काफ़ी जो यहाँ पे सेवा की जा रही है। हम आपको मिलाते हैं जो इस गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार हैं, जो वर्षों से इस गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं। इनसे भी हम आपको मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं कि कितने वर्षों से इस गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं और क्या क्या ये कार्य कर रहे हैं जी। हमने यहाँ पहला गुरुद्वारा दर्शन किए हैं जी, बाबा सुखदेव सिंह जी, अभी पाया जाके दर्शन किए पहले दिन जाके जी। साडा मुकदमा चलता है जमीन का जी, तो महाराज सानू कह लगे कहते तुम गड्डी लियाए हैं। अं क्या बाबा जी गड्डी नहीं लियाए, तो कह लगे इतना गड्डी लिया सानू महाराज का सरूप देवे। तो सानू महाराज का सरूप दिता, तो साढ़ा तिनी चौह तरीकी साढ़ा मुकदमा फतेह हो गया। महाराज ने बहुत ही भगती वाली सी, तो साढ़ा सब काम पूरा हो गया। तो देखा महाराज हम गांह से गांह जिदा भी दुनिया बधी जाती है, सब काम सब के कार्य रास हो जाते हैं। बाबा की जगह बनी आ, महाराज की जगह बनी आ, इतने जो होता है वो सब सब सुखी होकर जाता है। आइए गुरुद्वारे के हम ये भी जानते हैं जो यहाँ की कमेटी है जो काफ़ी वर्षों से जो कार्य कर रही है, इनके भी कार्य जानते हैं कि कमेटी के कार्य क्या क्या हैं, कितने वर्षों से कमेटी कार्य कर रही है। जी, 4 साल से कमेटी हमारी बनी है और जितना भी गुरुद्वारे का मेंटेन है हम लोग अपनी तरफ से करते हैं। और अगर आई लगती है पूरे एरिए से जो है माया इकट्ठी होती है, और माया इकट्ठी होने के बाद जो है इसमें गुरुघर में जो पैसा लगता है वो लगाया जाता है कमेटी के देख रेख में। और भी जितने लंगर की सेवा है जो भी है वो मेंटेन कमेटी के जुम्मे होता है। महीने भर से इतना भव्य मतलब आयोजन चल रहा है सारी कमेटी का। जी हाँ, सब कमेटी का है, गुरुघर का पैसा आता है, जो पूरी संगत का आता है उसे कमेटी अपने तरफ से मतलब जो लंगर की सेवा और मेंटेनेशन है वो अपनी तरफ से करती है। कितने लोगों की आपकी कमेटी जो कार्य कर रही है? जी करीब 10 लोगों की कमेटी है। जी जी हाँ, महीने भर काम करती है? हाँ, पूरे साल काम करती है। पूरे साल जी हाँ, पूरे साल। खबर अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूथ इंडिया लाइव, ताकि खबर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यूथ इंडिया लाइव।